हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कॉन्टेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद, 8142877400। नाजरीन, मीडिया का काम है आवाम तक हर खबर की सच्चाई को पहुंचाना। इस दौरान मीडिया इदारे और रिपोर्टर्स को कई ऐसी मुश्किलात और चैलेंजेस भी पेश आती हैं, लेकिन मीडिया इन चैलेंजेस से लड़ते हुए आवाम की खिदमत को अंजाम देती है। इसीलिए आवाम को भी मीडिया की इज्जत करनी चाहिए और खास तौर पर मीडिया को भी चाहिए कि वो हमेशा सच्चाई का साथ दे और मजलूम की आवाज बनकर उभरे, चाहे उसे किसी भी मुश्किल का सामना क्यों ना करना पड़े। नाजरीन, शहर हैदराबाद की रियल एस्टेट कंपनी जिसका नाम प्राइड इंडिया बताया गया है, उसके बानी सनोबर बेग को तेलंगाना हाई कोर्ट से मजीद एक और झटका लगा है, क्योंकि प्राइड इंडिया के सनोबर बेग की जानिब से हैदराबाद के मीडिया के खिलाफ लोअर कोर्ट से हासिल करदा इंजेक्शन ऑर्डर को तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। वाज़ह रहे कि हैदराबाद के मीडिया की जानिब से प्राइड इंडिया की बदउनवानियों पर मुसलसल नजर रखते हुए रिपोर्टिंग की जा रही थी, जिस पर कंपनी ने मीडिया के 32 इदारों और अफराद के खिलाफ लोअर कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर मीडिया अफराद ने हाई कोर्ट में इसकी अर्जी दाखिल की थी, बादजा जिसकी आज समाप्त हुई और हाई कोर्ट का फैसला मीडिया के हक में आया। 22 आज एक हिस्टोरिकल जजमेंट आया है तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से, जहां पर ये डिसाइड किया गया है और ये कहा गया है कि लोअर कोर्ट का जो इंजंक्शन ऑर्डर था उसको सेट असाइड किया गया है तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से। हमारे सीनियर काउंसिल असद हुसैन साहब ने रात दिन एक कर कर हमारा केस लड़ा है। तमाम 10 मीडिया हाउसेस की तरफ से असद हुसैन ने हम सभी के लिए ये केस लड़ा है और उसमें ये डिसाइड हुआ है कि जो इंजंक्शन ऑर्डर लोअर कोर्ट से आया है वो सेट असाइड हुआ है और मीडिया को कोई नहीं रोक सकता रिपोर्टिंग करने के लिए। और मीडिया का काम है कि वो सच्चाई बताएं लोगों को, अगर क्या हो रहा है शहर में और क्या हो रहा है ऐसे क्रिमिनल्स के तरफ से। जब एक क्रिमिनल उसके ऊपर 60 FIRs है तो हमारा काम है कि एक एक FIR की हम थरो से सभी लोगों को बताएं कि इसके ऊपर ये FIR है और ये केसेस है। और ऐसे लोग हमारे खिलाफ जाते हैं और एक लोअर कोर्ट से जब इंजेक्शन ऑर्डर लेकर आते हैं तो हम लोगों ने हाईकोर्ट अप्रोच हुआ है और हाईकोर्ट ने हम लोगों को रिलीफ दिया है और हमारा केस सेट असाइड किया है। अब आते हैं हम लोग, जो हमारा फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन है, हम लोग आप सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे कोई दुश्मन नहीं है और हमारे कोई दोस्त नहीं है, हम क्रिमिनल्स के खिलाफ है। जिस किसी के भी खिलाफ अगर FIR होता है तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम उसको रिपोर्ट करें और आप लोगों के सामने लाएं। एक शख्स जिसके ऊपर 60 से ज़्यादा FIR है हम नहीं बताएं उनके बारे में, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे क्रिमिनल्स जा रहे हैं कोर्ट को और इंजेक्शन ऑर्डर्स लेकर आ रहे हैं। अब प्राइड इंडिया के बारे में हम ये बताना चाह रहे हैं कि उसके और कई केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है और कई डिमोलिशंस भी आए हुए हैं जिसका ऑर्डर अभी नहीं निकला है और उनके कई वेंचर्स में भी डिमोलिशंस होने वाले हैं, ये कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं। और रिसेंटली हमें ये इतला मिली है कि वो एक नोटिस भी सर्व कर रहे हैं जो क्रिस्टल टाउनशिप में जिन लोगों ने जगह खरीदी है और जिन लोगों को उन्होंने नोटरी करवाया है उन लोग को ये नोटिस भेज रहे हैं कि आप लोग रिमेनिंग अमाउंट दे दो वरना आप लोगों के ऊपर जो है ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लिए जाएंगे। एक शख्स इलीगल जगह बेचता है, लोगों को फिर नोटिस देता है और उन लोगों को ये डराता है कि आप लोगों के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स निकलेंगे। बहरहाल अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आज हम सब 10 मीडिया हाउसेस की जीत हुई है और हमारा ऑर्डर सेट असाइड हो गया है। हम सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और तमाम मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। केस फाइल करने के बाद कि वहाँ से कुछ आप लोगों को धमकियाँ भी आए थे, देखिए उसके अलावा भी ये जो केस डाले हैं वापस के बाद हुई थी, क्या ये सही है? सब धमकियाँ तो आते हैं, धमकियाँ तो कॉमन है समझिए, थोड़े मीठे धमकियाँ आते हैं, थोड़े तेज धमकियाँ आते हैं, लेकिन हम लोग जब केस डाले हैं तो यही सोच कर डाले हैं कि हम आखिरी तक लड़ेंगे। जैसा परसों एक वीडियो आया था प्राइड इंडिया के चेयरमैन मिस्टर अब्दुल हलीम बेग अलिया सनोबरी अशद जो काले शर्ट में बैठे हुए थे, कुछ माफ़ीनामा बोल रहे थे वो, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैं माफ़ी भी मांग रहा हूँ और फिर ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। यानी उनका बोलने का मतलब था क्या आखिर?
जब वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं? वो भी हमारा राइट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बहरहाल हम तमाम मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू वेरी मच। होते अल्लाह ने किसी ना किसी को मसीहा बनाकर भेजता है, जैसा कि सीनियर काउंसिल है असद हुसैन साहब मीडिया वालों के लिए एक मसीहा के तौर पर आए, क्योंकि प्राइड इंडिया के सनोबर बेग ने मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिए एक इंजेक्शन ऑर्डर लाया था, मगर आज हाईकोर्ट ने एक तारीख बना दी है और ऑनरेबल हाईकोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो प्राइड इंडिया के ऑर्डर को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। सीनियर काउंसिल असद हुसैन साहब की कोशिशों की वजह से ये ऑर्डर को हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। अब सनोबर बेग के हकायक जो और भी मंजर आम पर आएंगे, हिंदुस्तान भर में इसकी चर्चा होगी, इनकी काली करतूतों को आवाम के सामने पेश किया जाएगा, क्योंकि वो मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिए जिस तरह से इंजेक्शन ऑर्डर को लाए थे, आज हाईकोर्ट ने वो इंजेक्शन ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है। ये बहुत खुशी की बात है मीडिया के लिए, खास करके सीनियर काउंसिल हम असद हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, ऑनरेबल हाईकोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हक की बुनियाद पर यह फैसला सुनाया है, मेरिट की बेसिस पर यह फैसला सुनाया है। हम यानी 10 लोगों ने, 10 मीडिया हाउसेस ने असद हुसैन साहब के जरिए जो है एक हाईकोर्ट में CMA फाइल किया था, सिविल मिसलेनियस अपील, जिसमें मैं रिपोर्टर सुभान हूँ, हमारे तनवीर साहब है, शरफुद्दीन साहब सच न्यूज़ है, सिटी न्यूज़ के शहबाज है, NDTH के वसीम साहब है, और राइट मीडिया के अत्थर है, और TNA के अहमद है, और हमारे हबीब मसूद है डेक्कन डेली के, और हमारे से 10 भाइयों ने मिलकर CMA फाइल किया था। आज उसका एक हम लोग को बहुत बड़ी राहत मिली है, वो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि इनके ख़िलाफ़ में डजन्स ऑफ FIRs है, और सभी लोगों को मालूम है प्राइड इंडिया के सनोवर का मामला क्या है, हमेशा से ही लिटिगेशन में है उनके मामलात, और उन पर कई सारे FIRs है, मगर आज तक वो आज़ाद फिर रहे हैं और उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। मगर मीडिया वाले जब आवाम के सामने हकायक बताते हैं तो मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिए हमारे ऊपर ही एक्शन लिया जा रहा था, मगर हम हक के लिए लड़ते रहेंगे और जो हो सकता है हम वो उस चीज़ को फेस करेंगे लीगल बैटर के लिए, चाहे हमारे को धमकियाँ मिलो, अटैक्स मिलो, हो भी सकता है हम लोगों में से किसी को भी वो निशाना बना सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से सनोवर बेग और उनकी कंपनी की तरफ से इनडायरेक्टली धमकियाँ मिल रहे हैं मारने की, मगर हमको उसका कोई गम नहीं है, हक का अल्लाह बराबर साथ देगा, हमको अदालतों पर बहुत बड़ा भरोसा है, और लीगल बैटल हमारा ये जारी रहेगा। हम वंस अगेन ऑनरेबल हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारे सीनियर काउंसिल असद हुसैन साहब का भी जो सनोवर बेग के करतूतों को मंजर आम पर आवाम के सामने लाने के लिए मीडिया की आवाज़ को जारी रखने का जो फैसला दिया है, हम सब उसका। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल, वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150 अतापुर हैदराबाद। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: King's Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact: 984-936-3888 and 868-678-1110. हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज, माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल, गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल इस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटेरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो,
या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तियाब। मजीद तफसीलात के लिए रब करिए 9849-363-888, 9390558802, 8686-78110, 8919-72-3020। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स की फकरिया पेशकश, 100 स्क्वायर यार्ड की खरीदारी पर रजिस्ट्रेशन मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेस वन की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायानाज पेशकश, फेस टू और फेस थ्री 100 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स 4 लाख और 5 लाख में दस्तियाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहायश आबादी से मुतसल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कोतूर मंडल, शमसाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 25 मिनट की दूरी पर, बुकिंग जारी है, जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीरालम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।